प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। उन्होंने आज सुबह 8:15 बजे अंतिम सांस ली। वो 82 साल के थे। मुलायम सिंह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। पिछले रविवार से उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सपा कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। पहलवान और शिक्षक रहे मुलायम सिंह यादव ने लंबी सियासी पारी खेली। 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में रक्षा मंत्री रहे। उन्हें बेहद साहसिक सियासी फैसलों के लिए भी जाना जाता है। आपको बता दें, 22 अगस्त को मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया था। मुलायम सिंह यादव को 1 अक्टूबर की रात को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। मुलायम सिंह यादव का मेदांता के एक डॉक्टरों का पैनल इलाज कर रहा था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और परिवार के अन्य सदस्य उनके साथ थे। दिल्ली से उनका शव लखनऊ लाने की तैयारी कर रहे हैं और फिर यहाँ से इटावा ले जाया जाएगा। तो आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। खबर अच्छी लगी हो तो लोग जो न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।